जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजकोट नगर निगम भर्ती 2022 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके। देखिए, मैं ऐसे ही वीडियो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स से जुड़े जितनी भी रिक्रूटमेंट भर्ती किसी भी नगर निगम में हो, कंटेनमेंट बोर्ड में हो या फिर मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल वगैरह में किसी में भी हो, तो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। और हर भर्ती सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स की हर भर्ती की जानकारी आपको हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, चाहे वो भर्ती की राजकारी जानकारी हो या एडमिट कार्ड हो या फिर उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, हर उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं राजकोट नगर निगम भर्ती के बारे में। तो देखिए, राजकोट नगर निगम कॉरपोरेशन है जिसमें ये वैकेंसी सिस्टमें आई हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की भर्ती है जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई है। और इसमें फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती है, फार्मास्यूटिक की भर्ती है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती है और मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। तो अभी ये पांच प्रकार की भर्तियां जो है इसमें निकली हुई हैं, जिसमें अगर आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स है तो आप फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका अप्लाई के लिंक है, आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये इसका अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये ऐसे खुल के आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर जी कैटेगरी फॉर अप्लाई फॉर, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो भी जनरल ओबीसी से आते हैं आप, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ अपना सरनेम डाल सकते हैं या फिर अपना फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह जो भी है, सिटी वगैरह, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ये सब जब भर के आप आगे सबमिट करोगे तो सेकेंड नंबर पर खुलेगा आपका ये आपका एप्लीकेंट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल, इंटर और जो आपका डिप्लोमा कोर्स है उसकी जो अपनी परसेंटेज वगैरह मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ये आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं, इसकी छोड़ भी सकते हैं इसके लिए। फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो अपलोड एप्लीकेशन फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जहाँ पे जाके आप अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये सब करने के बाद फिर आप यहाँ पे सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा फ़ीस का, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट। तो इसमें फ़ीस की बात करें हम तो फ़ीस इसमें जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस है और अदर क्लासेस के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो आप इस पर जाके इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन के आगे जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। ये रहा इसका नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है जो कि गुजराती लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसे आप गूगल ट्रांसलेट से हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी आप अपना पढ़ सकते हैं। अगर ये वैकेंसी ली हुई है, ये वैकेंसी डिटेल है, टोटल जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसी हैं टोटल 117 वैकेंसी हैं और फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी टोटल 44 वैकेंसी हैं। और ये क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखी है किसके लिए क्या है, तो आप जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स है उससे आप अगर अप्लाई करना चाहते तो फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है 10+2 होना चाहिए आपके पास और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और आप मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी आपके पास 10+2 होना चाहिए और आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। तो ये थी आज की पूर्ण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम के बारे में पूरी जानकारी। तो ऐसे ही सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स से जुड़े वीडियो और उससे जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।